करनाल के कैवना गांव में किसान महापंचायत में हुई तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने शक्ति दिखाते हुए 71 प्रदर्शनकारियों को नामजद कर दिया है। वहीं पुलिस ने करीब 900 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरुनाम सिंह के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। यहां आपको बता दें कि इस महापंचायत में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आना था, पर प्रदर्शनकारियों ने किसानों के हंगामे के बाद उन्होंने हेलीकॉप्टर लैंड नहीं करवाया। यहां आपको बता दें कि गत दिवस करनाल के गांव कैमला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आना था, लेकिन उनके आने से पहले रोष स्वरूप मंच को तोड़ दिया गया। पोस्टर, कुर्सियां व हेलीपैड सब तहस नहस कर दिए गए। बताते चले कि प्रदर्शनकारी किसान उस जगह पर पहुंच गए जहां सीएम मनोहर लाल ने 3 कृषि कानूनों के बारे में जनता को बताना और समझाना था। किसानों ने पहले हेलीपैड, फिर मंच के पास रखा पोडियम, फिर कुर्सियां, फिर गमले, फिर साउंड सिस्टम और अंत में पोस्टर तक फाड़ दिए। भले ही अब उन प्रदर्शनकारी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई हो, लेकिन क्या जो गत दिवस हुआ उसे होने से रोका जा सकता था? यह एक बड़ा सवाल है। खैर, देखना अब यह होगा कि आगे किसानों की तरफ से क्या रणनीति रहती है। फिलहाल एक जांच कमेटी बनाई गई है जो लगातार उस महापंचायत वाले स्थान पर जो हुआ उसके वीडियोस चेक कर रही है। फिलहाल किसी भी प्रदर्शनकारी को हिरासत में नहीं लिया गया है। घरोंडा थाना प्रभारी मोहन लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव कैमला में सीएम के प्रोग्राम में तोड़फोड़ करने के मामले को लेकर घरोंडा थाने में 71 लोगों को नामजद करते हुए पुलिस ने करीब 900 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जो ये तोड़फोड़ हुई है रैली के दौरान, जो शरारती तत्व थे उनके खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज किया है और उसमें कुछ लोग बाई नेम हैं और बाकी हम एविडेंस जो है कलेक्ट कर रहे हैं, मौके की जो वीडियोज़ हैं और जितनी भी हैं और उसके बाद जितने भी नामजद हैं और बाकी लोग जो सामने आएंगे सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। कुल कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और कितने लोगों के खिलाफ बाय नेम मामला दर्ज हुआ है? कुल तो हमने करीब 800-900 के खिलाफ दर्ज किया है, लेकिन उनमें से कुछ बाय नेम है। कितने उनमें से 71 हैं जो उनमें से गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी है। और क्या किन धाराओं के तहत क्या मामला, क्या आरोप है? 147, 149, 332, 353, 120 बी, 427, इन धाराओं के तहत क्या आरोप होते हैं इसके अंदर? और सेक्शन 3 भी लगाया है PDPP एक्ट। क्या आरोप होते हैं इसके अंदर? मतलब इनके ये आरोप हैं कि इन्होंने उसमें रैली स्थल में घुस के तोड़फोड़ की है, लोगों की जैसे फसल के बीच में से निकल के आए हैं, उसका नुकसान हुआ है, पुलिस मुलाजमों को भी चोटें लगी हैं, दूसरे लोगों को भी चोटें लगी हैं, क्योंकि हम जो VIPs वहाँ पे आए थे उनको निकाल के लेके जा रहे थे इस तरीके से इनके बीच में। तो ये सारे एलिगेशंस हैं और पब्लिक प्रॉपर्टी का भी इन्होंने डैमेजेस किया है, जो नुकसान किया है, ये सारे एलिगेशंस हैं। इन्हीं एलिगेशंस के तहत हमने ये किसी लोगों को चोट आई मुलाजम को अभी हम कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी मुलाजमों को चोट आई। क्या गाँव वालों के खिलाफ भी कुछ मामला वगैरह दर्ज हुआ? क्योंकि नुकसाने का कुछ नहीं, नहीं और किसी सर। टीमों का कितने का गठन किया सर? एक ही टीम जांच कर रही है या अलग अलग कई टीमों का? नहीं, फिलहाल एक ही टीम जांच कर रही है। आगे जैसा भी आगे बढ़ेगी, जो एविडेंस हम कलेक्ट करेंगे उसका जल्दी गिरफ्तारी होगी। हाँ बिल्कुल, जल्दी गिरफ्तारी होगी इनके खिलाफ कार्रवाई की। सर मुख्य नेता में भी है जो इनके किसानों के जिनके नाम बाई नेम नाम? मुख्य नेता चढ़ूनी साहब हैं, चढ़ूनी हैं। तो राउंडअप भी किया सर कुछ? नहीं, राउंडअप अभी कोई नहीं किया। ठीक है सर, थैंक यू। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन। World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.